हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जी हाँ, बीएसएससी के द्वारा एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने स्टेनोग्राफर यानी कि आशुलिपिक के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने उसकी परीक्षा पास की और अब वो लोग इंतज़ार में थे कि इसकी व्यवहारिक परीक्षा यानी कि इसका प्रैक्टिकल कब होगा, स्किल टेस्ट कब होगा। हिंदी टंकन हो या अंग्रेज़ी टंकन हो या फिर उनका जो डिक्टेशन हो, श्रुति लेख, वो कब किया जाएगा। जैसा कि इससे पहले भी आपको आपके अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया था कि बहुत जल्द आपकी व्यवहारिक परीक्षा संभावित है, बहुत जल्द होने वाली है। तो आपको मैं बता दूं कि उसका डेट आ चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उसका डेट आ चुका है। किस तारीख को आप लोगों का व्यवहारिक परीक्षा होना है, उसका डेट आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कौन सी सूचना आयोग के द्वारा जारी की गई है आप लोगों के लिए, कब है आपका डेट और उसका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड किया जाएगा। सारी सूचना मैं आपको आपके अपने इस चैनल पर आज इस वीडियो में पढ़कर बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियोज़ आपको आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो वेटनरी कॉलेज पटना 14 है, आवश्यक सूचना आप देख सकते हैं 18/9/2023 में ही आपका सूचना आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आपका देखिए कि विज्ञापन संख्या 21 पद आशुलिपिक या अनुदेशक आशुलेखन की लिखित परीक्षा के उपरांत व्यवहारिक जांच परीक्षा हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि उनकी व्यवहारिक जांच परीक्षा यानी कि हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन या हिंदी श्रुति लेख दिनांक 24/9/2023 को पटना अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। जी हाँ, पहले भी आप लोगों को सूचित किया गया था कि जो ये विज्ञापन संख्या 21 है और पद क्या है आपका आशुलिपिक या अनुदेशक आशुलेखन, जिसकी लिखित परीक्षा हो गई, उसके बाद जो भी अभ्यर्थी उसमें सेलेक्ट हुए, योग्य पाए गए, उनकी जांच परीक्षा व्यवहारिक परीक्षा अब इसी महीने जल्द बहुत जल्द होने वाली थी। तो 24/9/2023 उसका डेट निकल कर आया है, जिसमें जिन लोगों का हिंदी टंकन है उनका हिंदी टंकन होगा, अंग्रेजी टंकन यानी कि इंग्लिश टाइपिंग जिनका है उनका इंग्लिश टाइपिंग होगा और फिर डिक्टेशन भी लिखाया जाएगा। और ये कहाँ होगा, पटना अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। जी हाँ, एक जानकारी तो आपको मिल गई कि 24/9/2023 को होगा और कहाँ होगा, पटना में अवस्थित अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर। अब इसका एडमिट कार्ड देखिए कि अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र दिनांक 20/9/2023 को आयोग के वेबसाइट, जी हाँ, 20/9/2023 को आयोग के वेबसाइट यानी कि जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है पर अपलोड किया जाएगा। जी हाँ, अभी अपलोड नहीं किया गया है, अभी आप लोग उसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। 18/9 को ये आपका नोटिस जारी हुआ है जो आपके सामने आज आया है, भले ही डेट 18/9 का है लेकिन आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। जैसे ही जारी हुआ वैसे ही आपके सामने ये नोटिस आ गई है। तो आयोग के वेबसाइट पर इसका जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो 20 तारीख से आएगा, 20 तारीख से आप लोग उसे डाउनलोड कर पाएंगे और फिर ठीक 4 दिन के बाद 24/9 को आपकी परीक्षा होगी। उसके बाद फिर आगे आप देखिए कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है का सतत अवलोकन करते रहेंगे। जी हाँ, सतत अवलोकन यानी कि लगातार उसे देखते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के का यहाँ पर सिग्नेचर हस्ताक्षर भी है, 18/9/2023 के ही डेट में है। तो ये बहुत बड़ी सूचना आई है वैसे लोगों के लिए जो इंतज़ार में थे कि आखिर उनकी व्यवहारिक परीक्षा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा। तो उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया 24/9/2023 को पटना में होगा और 20 तारीख से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो इसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।